हमने चौधरी साहब से कहा कि चौधरी साहब, बाकी तो सब जगह लोग अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं, लेकिन समय बहुत कम है और अपने को जब तक पता चलेगा कि कौन ढीला है और कौन पूरी मजबूती से लगा हुआ है, तब तक समय और बीत जाएगा। इसलिए एक बार जितने भी आपके महत्वपूर्ण साथी हैं, सहयोगी हैं, जिन्होंने हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपको भी मजबूती दी है, कांग्रेस को भी मजबूती दी है, उन तमाम साथियों को आप अपने घर पे कांग्रेस दफ्तर में जहाँ आप चाहो वो बुला लो। और ये बाहर थे तो इन्होंने कहा नहीं, हम सुबह सुबह बुलाएंगे, आप घंटे दो घंटे से यहाँ पर इंतजार में है। एक गांव में ज्वाइनिंग ये करवा के आए हैं, एक गांव में मैं ज्वाइनिंग करवा के आया हूँ। और लगातार कांग्रेस का परिवार बढ़ता कर रहा है। नानकपुर पूरा, आज नानकपुर भी 100% और 150 आज कंबोज परिवार ये जो है मंगावा ढाणी में मैं आपके लिए जोड़ के आया हूँ। देखिए ये सब साजला खाता है, मिला जुला मामला है। अगर अच्छा होगा सबके लिए अच्छा होगा, सबकी कमी रहेगी। तो मैं बाकी तो सिस्टम को और दुरुस्त करेंगे। जो छोटी मोटी बातें हैं, जैसे अभी चौधरी साहब कह रहे थे कि कोई साथी वहाँ चला जाता है, ये चीज़ें ठीक करने की जरूरत है। अपने पास कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए, गरीब किसान मजदूर का राज लाने के लिए, जिसमें हमारा कर्मचारी महफूज हो, जिसमें हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हो, छोटा दुकानदार सुरक्षित हो, ये लाने के लिए हमारे पास केवल अब 8-10 दिन बचे और गिले शिकवे दूर करने के लिए 5 साल। आपने जिस जिन्हें अपने घर पे रोकना है, खाना खुआना है, कुछ और करना है, तालमेल बिठवाना है, किसी को और ठीक करवाना है, कोई गड़बड़ नहीं करता मानता तो उसको, ये करने के लिए अपने पास 5 साल आके रहेंगे। विधानसभा से पहले 3-4 महीने रहेंगे, लेकिन पार्टी की जीत, पार्टी को, प्रदेश को, देश को बचाने के लिए मैं समझता हूँ कि ये आपका सबका सहयोग हमें चाहिए। और उसमें ये छोटी बातें भूल करके, क्योंकि बड़े मुद्दे तो को देखिए, किसी की ना तो मेरा किसी से द्वेष है इस इलाके में, ना मेरा किसी से कंपटीशन है, और वैसे मैं नरम सा आदमी हूँ। 7 दिन आपके, 10 दिन आपके, और फिर पूरी जिंदगी आपको हमारी समर्पित, और फिर कलम चलेगी, और जितना आपने नहीं सोचा होगा उससे ज़्यादा हम आपके लिए करेंगे। पीछे की जो भरपाई है, कोई कमियां रही हैं उसको डबल। गगनदीप जी हंस रहे, बोले हाँ भाई ठीक है, मैं तगड़ा आदमी मेरी तरह थोड़ा सा तगड़े होकर के। तो साथियों, मेरे बुजुर्गों, आप सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ। जगह तय हो जाएगी सिरसा के अंदर राहुल जी की रैली की, और जैसे आप पहले 9 में आपने देखा राहुल जी आए थे, बड़ी जबरदस्त रैली आप लोगों ने की थी, और उस समय भी मेरे ख्याल से 31 या 1 मई की थी रैली पहली बार जब थी। फिर 2014 के अंदर फिर वो हमारे को आशीर्वाद देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, किसान मजदूर 36 बिरादरी को एकजुट करने के लिए यहाँ पर आए। तो आप लोगों की ताकत थी, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि उसी ताकत की बदौलत हम हरियाणा में हारे, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट लेकर के हारने वालों में हम करीबन 4 लाख। इस बार हमारा लक्ष्य है कि हमारे कम से कम 7 से 8 लाख वोट आए। वोट भी बढ़ गए इस बीच में, इन्हें का आप लोगों ने देख ही लिया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी यहाँ पर रही नहीं, आज भी जमीन पे नहीं है। अगर हम सब लोग अपने अपनी जिम्मेदारी अपने अपने गांव में निभा लेंगे, जैसे आज ज्वाइनिंग करी है, जो इनेलो से आना चाहता है, बीजेपी से आना चाहता है, छोटी बातें जो इलाके की होती है कि भाई मैं ये आ जाएगा तो मेरी चौधरी पे असर पड़ेगा, कुछ नहीं। मैं कहता हूँ कि भाई हरियाणा कांग्रेस में कहीं से किसी भी मजबूत आदमी को ले आओ, किसी को कुछ भी दे दो, अशोक तंवर के कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस मजबूत होनी चाहिए। यही आप लोगों का भाव होना चाहिए, तभी जा करके हम सांसद भी जीतेंगे, विधायक भी जीतेंगे, सरकार भी बनाएंगे, आपकी चलेगी भी, चौधरी साहब फिर दोबारा आपका झंडा बुलंद कर देंगे। भाई आज हमें आप ताकत दोगे, पूरी अथॉरिटी के साथ पार्टी के अंदर अनुशासन भी लागू करेंगे, और जो इस तरह के लकड़ भग्गे हैं जो गड़बड़ करते हैं, और वो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। वैसे ही जैसे चौधरी साहब ने आज कहा कि कोई भी गड़बड़ करेगा, मुखालफत करेगा, उसका यहाँ पर दरवाजे पर कोई एंट्री नहीं होगी। ऐसे ही जो कांग्रेस को कमजोर करेगा, अब करेगा, आगे करने की कोशिश करेगा, तो भाई अपने भी कोई एंट्री नहीं होगी।